हेलो एवरीवन, आई एम राजेश एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और फिलहाल मैं हूँ इस समय बलिया के रेलवे स्टेशन पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आया हुआ था एक टाइम लैप्स की रिकॉर्डिंग के लिए। सो यहाँ पे मैं आया तो जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नो पार्किंग। स्कूलिंग एरिया में साइकिल या मोटरसाइकिल खड़ी करने पर 500 रुपये 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बट उसके बावजूद भी देखते हैं कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखिए रिक्शे वाले खड़े हैं और ये काफ़ी सारी बाइकें आप देख सकते हैं। ये चीप है, देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग एरिया होने के बावजूद क्या हो रहा है कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ आके और रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी जा रही है। सो फिलहाल इस चीज़ के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो आ गया है GRPF द्वारा। तो एक बार चलते हैं GRPF ऑफिस और वहाँ बात करते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नोटिफिकेशन लगाने के बावजूद भी यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो खड़ी होती जा रही है। और ये है सामने बलिया का रेलवे स्टेशन, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सुंदर होता जा रहा है पहले से बलिया का रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं जरा अंदर की तरफ, सामने है राजकीय रेलवे पुलिस और वहाँ हम चलते हैं और उनसे बात करते हैं। एक प्रॉब्लम बताते हैं कि सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि गाड़ी खड़े करना मना है, उसके बावजूद भी जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हो रही है। तो देखते हैं इस बात पर उनका क्या कहना है। बलिया के रेलवे स्टेशन की एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, ये काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन बन चुका है। ये एक बार ये है सामने राजकीय रेलवे। सर जी एक चीज़ पूछनी थी, वो सामने एक नोटिफिकेशन लगा हुआ है कि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ा करना बिल्कुल मना है, के बावजूद भी यहाँ पे गाड़ियाँ लग जा रही हैं स्टेशन के सामने। सो फिलहाल ये भी बिजी हैं। सर जी मेरा ये कह रहा था कि रेलवे स्टेशन के सामने साफ साफ नोटिफिकेशन नोटिफाइड किया हुआ है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ा करना बिल्कुल भी मना, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। वो हमारे एरिया में नहीं आता। अच्छा, तो वो थाना क्षेत्र में, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? थाना पे। हाँ, मतलब ये गाड़ी ऐसी लगती रहेंगी? नहीं लगती क्यों रहेंगी, मना किया जाता है, लेकिन अच्छा। हमारे एरिया में दायरे में नहीं है। अच्छा, मतलब रेलवे पुलिस के दायरे में नहीं है ना? अच्छा, बाहर उनके क्षेत्र में सिविल पुलिस। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वहाँ चौकी है या थाने पे जाइए, कोतवाली बलिया कोतवाली सामने है ना? अच्छा, सामने जो है कोतवाली है। अच्छा ठीक है, बस इतना पूछना था। कई बार मैं आता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कि ये सी चीज़ें लगी रहती है, तो इट शुड नॉट बी, मतलब देयर की, मतलब इस तरह की गाड़ियाँ खड़ी रहे, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। स्टैंड में रखते हैं। हाँ, मतलब सामने पार्किंग है लेकिन उसके बावजूद भी लोग पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं, समझ नहीं आता मेरे को। 5 रुपये 10 रुपये बचाने के चक्कर में भीड़ इकट्ठा कर देते हैं वहाँ पर। चलिए ठीक है जी, थैंक यू जी। सो इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो रेलवे पुलिस के दायरे में नहीं आता है तो इसके लिए आपको पुलिस चौकी जाना पड़ेगा। लेकिन जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है और वो बलिया से है, तो मैं तो ये सजेशन कहूँगा या फिर बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार इस तरीके से गाड़ी मत खड़ा कीजिए। जब स्पेशल एक पार्किंग बना रखी है तो आप पार्किंग पर गाड़ी खड़ा कीजिए, इस तरीके से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप रूल और रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, छोटे काम मत कीजिए जिससे कि नाम खराब हो बलिया का। तो अब मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ मार्केट में मुझे कुछ काम है और काम को करते हैं। यहाँ पे गूगल का वाईफाई लगा हुआ है, मेरा तो हालांकि नेट वाला पैक है तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यूज़ करने वाला नहीं हूँ। तो बस बात करके कोई देखा जाए तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, बट जो भी है चल।
तो फिलहाल मुझे जाना है बलिया के हॉस्पिटल में, कुछ काम है तो वहाँ पे मैं काम को निपटाता हूँ।